हे गाइस, इट्स क्रेजल फ्रॉम क्रेजल प्रोडक्शन। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले कैपकट के ट्यूटोरियल के बारे में, जिसमें हम कंप्लीट कैपकट पूरी एप्लीकेशन सिखाएंगे, जिसमें तकरीबन 5 से 7 वीडियो होने वाला है गाइस। तो आप ये वीडियो देख के कंप्लीट कैपकट फ्रॉम बिगिनिंग टू एडवांस लेवल एडिट कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के फर्स्ट लेक्चर की ओर। तो ये खुल गया आपका कैपकट का इंटरफेस। तो ये इंटरफेस में आप लोग सिंपली न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करें। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके आप एक प्रोजेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपको कोई वीडियो एडिट करना है, ये दो क्लिप ऐड करता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको होगा क्या कि अगर आप कैमरा से शूट कर रहे हो तो इसको पहले ये जो है ये ओरिजिनल है, इसको वर्टिकल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए गाइस सिंपली ये वीडियो पे अगर आप पर क्लिक है तो इसको वीडियो से बाहर ऐसे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा स्क्रॉल करें और यहाँ पे देख सकते हैं गाइस ये रेशियो, ठीक है। तो रेशियो पे क्लिक करें और रेशियो पे क्लिक करके अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टिकटॉक का एस्पेक्ट रेशियो है और ये इंस्टा का, ये यूट्यूब का एंड सो ऑन। तो मैं टिकटॉक के बना रहा हूँ तो इसको टिकटॉक पे चेक करके ओके करते हैं। अब उसके बाद इस वीडियो को आप ऐसे भी रोटेट कर सकते हो, ठीक है। इस पर एक बार क्लिक करें और उसके बाद इसे रोटेट कर सकते हो। पर ये भाई साहब ये अच्छा वाला मेथड नहीं है, इसको बिल्कुल मत करना। मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको मत करना। इसको अंडू कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्लिक करके आप अंडू कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे प्रिसाइज मेथड ये है कि वीडियो पे एक बार क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करें और एडिट पे जाएं और यहाँ पे इसको रोटेशन करें, ठीक है। तो ये करेक्ट 90 डिग्री रोटेशन हो चुका है। उसके बाद एक और वीडियो है मेरे यहाँ पे, इसको भी हम वही सेम कर लेते हैं, एडिट और रोटेशन, ठीक है। तो अब ये तो हो गया और यहाँ से आप ये आइकन से आप इसे क्लिक करोगे तो प्ले होगा और यहाँ से पॉज होगा, ठीक है। और ये रहा आपका ये जो वीडियो है उसको फुल साइज़ हो जाएगा, फिर से यहाँ पे क्लिक करोगे पुराने शेप में आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका ये। और उसके बाद हम आज सीखेंगे इसको कट कैसे करना है और इसमें कुछ ओवरले और म्यूज़िक कैसे ऐड करते हैं वो सीखेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर क्लिप है तो आपको कोई अननेसेसरी पार्ट कट करना है, तो आप जैसे कि मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यहाँ से यहाँ पे इसकी क्लिक करके यहाँ प्ले हेड है जो ये लाइन सा है, ये लाइन जो जहाँ पे जाएगा वहीं से कट होगा, ठीक है। तो इस पर क्लिक करते हैं। अब यहीं लाइन से यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं स्प्लिट का ऑप्शन है नीचे, और इस पर स्प्लिट करेंगे तो ये दो वीडियो हो जाएगा और ये एक ये दो। तो हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ से सिंपली यहाँ नीचे डिलीट कर सकते हैं, तो ये आगे का डिलीट हो गया। उसके बाद हम इस पे यहाँ से जाके सिंपली यहाँ तक जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे हम स्प्लिट करेंगे और पीछे के ये वीडियो हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर स्टॉप करते हैं, उसके बाद यहाँ पे जाके हम स्प्लिट करते हैं और ये बीच का वाला जो वीडियो है इसको डिलीट करते हैं। और अगर आपको मल्टीपल जैसे कि एक और वीडियो ऐड करना है तो यहाँ पर जो प्लस है भाई, यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर सकते हैं और इसमें जैसे कि अब कोई भी ये वाला वीडियो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस पर एड पे क्लिक कर लें तो यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आखिरी में होगा क्या कि यहाँ पे ये कैपकट का इंट्रो आता है, तो इसको सिलेक्ट करके सिंपली आप डिलीट कर सकते हैं, तो लास्ट में आपका कैपकट का जो है वो वाटरमार्क वो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया कट। आप इस पर ऑडियो कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो ये सिंपली ये एड ऑडियो है, इसमें एड ऑडियो में क्लिक करें और ये साउंड पे क्लिक करें, ठीक है। साउंड पे क्लिक करते हैं, आपको सिंपली यहाँ पे ऑनलाइन काफ़ी सारा मिल जाएगा, पर अगर आप फाइल मैनेजर से इसमें अपना खुद का म्यूजिक डालना चाहते हो तो सिंपली ये फाइल मैनेजर में क्लिक करें और यहाँ पे ये जो है फ्रॉम डिवाइस, ये फ्रॉम डिवाइस पे जाके आप कोई भी अपना मनपसंद गाना डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ और इस पर यहाँ से जाके इसको कट कर लेता हूँ क्योंकि आगे का पार्ट जो है थोड़ा धीमा है। और आप सिंपली इसको ड्रैग कैसे कर सकते हैं, इसको उठा के जैसे कि आपको लिपसिंग जैसे कि यहाँ से मिल रहा है तो आप यहाँ से आप इसको उठा के ऐसे आगे पीछे ले जा सकते हैं जहाँ पे आपको वो लिपसिंग मैच खा रहा है, ठीक है। तो जैसे कि प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये अलग क्लिप में भी साउंड है और ये अलग साउंड है। तो इसका म्यूज़िक कैसे हम बंद कर सकते हैं, सिंपली इस पर क्लिक करें और इस पर जाके आप यहाँ पे जा सकते हैं, थोड़ा स्क्रॉल करें और यहाँ पे वॉल्यूम है, ठीक है। तो वॉल्यूम को पूरा जीरो कर दिए तो देख सकते हैं कि आपका वॉल्यूम पूरा डाउन हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं एक मेथड। और यहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ पर भी आपका म्यूट का ऑप्शन है,
तो इस पर सिंपली म्यूट करेंगे तो आपका ये वाला जितना भी ये लाइन में जो वीडियो है आपका सभी वीडियो का साउंड डिजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑडियो का हो गया। और इस पर हम लोग एक और जैसे कि वीडियो आप ऊपर से कुछ डालना है तो कैसे ऐड कर सकते हैं, तो अगर इस पर करेंगे तो ये वाला प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे और ऐड करेंगे तो यही लाइन पर वीडियो आ जाएगा, पर मेरे को नहीं, मेरे को ऊपर से कुछ और डालना है। तो सिंपली उसके लिए आप लोग करना क्या है कि सबसे पहले अगर आपको फुटेज सेलेक्ट है तो उसको बाहर सेलेक्ट करके बाहर क्लिक करके डी सेलेक्ट करें, तो उसके बाद यहाँ पे ये जो है ऑप्शन थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे नीचे ओवरले का ऑप्शन है, तो ये ओवरले के ऑप्शन में आप क्लिक करें और ऐड ओवरले में क्लिक करें। ठीक है, तो जैसे कि अब यहाँ पे ये मेरा बटरफ्लाई का एनिमेशन है, ये देख सकते हैं, हम इसको अब ऐड करेंगे, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, तो ये फिट कर लेंगे। उसके बाद हम ये दूसरा आपका फुटेज आ गया। ठीक है, इसको मैं ब्लेंडिंग करने का भी एक सिखा दे रहा हूँ आपको, जिसमें हम ब्लैक बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं इजीली। ये फुटेज पे क्लिक करके यहाँ पे जो ब्लेंडिंग का ऑप्शन है इसमें ब्लेंडिंग के में क्लिक करें और ये ब्लैक बैकग्राउंड हटाने के लिए ये जो फिल्टर है इसमें फिल्टर कर सकते हैं और यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। ठीक है, या आप इसमें कोई भी ब्लेंडिंग मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी एक जो आपका काम करे। तो सबसे बढ़िया ब्लैक बैकग्राउंड के लिए ये फिल्टर है और इसका ओपेसिटी यानी कि कितना इसको हम विजिबल कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये इसे लग चुका है। ठीक है गाइस, और यहाँ पे एक्सपोर्ट में क्लिक करके आपका वीडियो 100% तक हो जाएगा, तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस आज के लिए वीडियो इतना ही, मिलते हैं लेक्चर 2 में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेक श्योर शेयर कीजिए। बाय बाय।